Rishi and welcome to my channel. आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक लंच की थाली. ये लंच की थाली की डिमांड आई है मेरे हस्बैंड के साइड से. उन्होंने डिमांड किया है कि उनको पूरियाँ खानी है. पूरियाँ हमारे घर में सिर्फ फेस्टिवल पे बनती हैं और बीच में ऐसे कभी पूरियाँ नहीं बनती हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को शौक नहीं है. हम घर में दो ही मेम्बर हैं तो फिर वो नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाती. आज उन्होंने सडनली मुझसे बोला कि आज लंच में उन्होंने पूरियाँ खानी है तो इसलिए मैं उनके लिए एक थाली रेडी कर रही हूँ. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह प्रिपेयर कर रही हूँ अपने हस्बैंड की फेवरेट वेज थाली. सो इस थाली में मैं बना रही हूँ मटर पनीर. मेरे पास फ्रोज़न पनीर है, मटर है और दूसरी सब्जी मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की. मैंने ये लिया है कुछ टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और अदरक. ये मसाले के लिए है और मैंने कुछ हरी मोटी वाली मिर्चें ली हैं. इनसे हम भजिया रेडी करेंगे. तो चलिए हम जल्दी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. सबसे पहले मैं आलू बॉयल होने रख दूँगी. और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ट्रिक भी शेयर करूंगी. मेरा जो नाइफ़ है इसकी शार्पनेस थोड़ी सी कम हो गई है और इसको मैं घर में ही शार्प कर लेती हूं. तो मैं दिखाती हूं कि मैं इसे कैसे शार्प करती हूं. मैं एक मटका कप ले लूंगी और उसके बैक साइड पर नाइफ़ को इस तरह से रब करूंगी. अगर आपको भी अपना नाइफ़ शार्प करना है तो एक बार प्लीज़ इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत यूज़फुल है. अनियंस चॉप हो गए हैं, अब मैं मटर पनीर का मसाला रेडी कर लूँगी. ऑयल गरम हो चुका है, सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा. और ये मटर पनीर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी. मैं इसमें अनियन और टमाटो चॉप करके डालूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अनियन और टमाटो ग्राइंड करके डालती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है और जब मैं कट करके डालती हूँ तो ऑयल काफ़ी कम लगता है. पनीर हम बहुत तरीके से बनाते हैं. हम इसके अंदर काजू पेस्ट, बादाम पेस्ट और काफ़ी कुछ क्रीम, खोया वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन हम ये पनीर खाने वाले हैं पूरी के साथ तो इसकी ग्रेवी में काफ़ी लाइट रखूंगी. अनियन सब गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, अब मैं इसके अंदर सारे ड्राई मसाले ऐड कर दूंगी. सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर. ये जो रेड चिली है ये खाने में बहुत ही कम तीखी है लेकिन इसका कलर अच्छा आता है तो थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में मैं डालूंगी इसको. और तीखेपन के लिए मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च. और सारे मसालों को हम प्याज में अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे. सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी टमाटर, अदरक और हरी मिर्च. और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक और नमक की हेल्प से टमाटर बहुत जल्दी गल जाएंगे. टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, भुन चुके हैं. अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मटर और मटर ऐड करने के बाद मैं इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये मसालों के साथ अच्छे से भुन जाए. जब तक मटर भुन रही है तब तक मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारे आलू बॉईल हुए हैं या नहीं. आलू बॉईल हो चुके हैं, अब मैंने पानी से निकाल के रख दूंगी ठंडा होने के लिए. साथ ही हमारे मटर, टमाटर और मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो अब मैं ऐड करूँगी पनीर. और अब मैं पनीर को सारे मसालों में अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही फ्राई होने दूँगी. जब तक हमारा पनीर रेडी हो रहा है तब तक मैं पूरी का डो भी रेडी कर लेती हूँ. अब पूरी के डो में थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी. मैं करीब इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी. अदरवाइज़ पूरियाँ कुछ ज़्यादा ही खस्ता हो जाती हैं और छूते ही टूटती हैं. हमारा पनीर मसालों के साथ अच्छे से भुन चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी. और पानी ऐड करने के बाद मैं इसको कवर करके बॉईल होने के लिए रख दूंगी. हमारा पूरी का डो भी रेडी हो चुका है. आलू को मैंने पानी से बाहर निकाल दिया था तो वो जल्दी से ठंडे हो गए हैं तो उनको भी मैंने छील लिया है. हमारे पनीर को बनते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं. अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी और गर्म मसाला. पनीर की सब्जी रेडी हो चुकी है, अब हम बनाएंगे आलू टमाटर. सबसे पहले मैं एक पैन में ऑयल हीट कर लूंगी और एक बोल में सूखे मसाले निकालकर उनका पेस्ट रेडी कर लूंगी. मैंने लिया है हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर. हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो इसके अंदर मैं ऐड करूंगी जीरा, होल रेड चिलीज,
और जो ये सूखे मसाले हैं इनके अंदर मैं पानी ऐड करके इनका पेस्ट रेडी कर लूँगी। सूखे मसालों में पानी मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि जब इसे मैं तेल में डालूँ तो मसाले जले ना। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर, हरी मिर्च और अदरक। और टमाटर को गलाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नमक। और साथ ही मैं रेडी कर लूँगी बेसन का घोल, और ये घोल मैं रेडी कर रही हूँ मिर्च की भजिया के लिए। इस बेसन के घोल में मैं ऐड करूँगी साबुत जीरा, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, और मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस पेस्ट को रेडी करूँगी। मैंने इसे अच्छे से फैट लिया है और अब मैं इसे 10 मिनट के रेस्ट के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और इस बीच में टमाटर भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू, और थोड़े से उबले हुए आलू को मैं बचा लूंगी। और इसका मसाला रेडी करके हम स्टफ़ करेंगे अपनी हरी मिर्च की भजियों में। और अब हम आलू करी में ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, और इसे अब हम एक बॉयल तक उबालेंगे। और जब तक हमारे आलू उबल रहे हैं तब तक मैं भजिए की स्टफिंग रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है और अब इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया। और अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इस मसाले में अभी नमक ऐड नहीं किया है, जब मैं भजिया बनाऊंगी उसी समय मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। हमारे आलू की सब्जी भी रेडी हो चुकी है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी गरम मसाला और हरा धनिया, और एक बार फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हमारे मटर पनीर और आलू टमाटर की सब्जी रेडी हो चुकी है, तो अब मैं बना लूंगी भजिए। और मैं इस समय आलू में ऐड कर रही हूँ नमक, और इसे मैं तुरंत मिर्च में फिल कर दूंगी। मिर्च काफ़ी लंबी है तो मैं इसे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। सो इसी तरह सारी मिर्चों को स्टफ़ करके मैंने बेसन में डिप करके उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, और तब तक मैं बना लूंगी अपनी पूरियाँ। पूरी के बाद हम अपनी मिर्च की भजिया भी फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी थाली रेडी हो चुकी है। ये है हमारा मटर पनीर, आलू टमाटर की सब्जी, मिर्ची के भजिए, पूरी, और मैंने लिया है थोड़ा सा प्लेन कर्ड। सो गाइज, आई होप आपको ये लंच मेन्यू पसंद आया होगा और आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।